हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने चल रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे बहुत से शिक्षक कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, चर्चा का विषय यह है कि किसी भी जो है कर्मचारी या शिक्षक की मृत्यु की दशा में उसके परिवार को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन में क्या अंतर है। पारिवारिक पेंशन किसे कहते हैं, असाधारण पेंशन किसे कहते हैं और यह दोनों ही प्रकार की पेंशन किसे प्राप्त होती है और कब तक प्राप्त होती है, इन विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तथा इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें और यह जानकारी लोगों को हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहीं पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जो है हमारे किसी भी कर्मचारी या शिक्षक बंधुओं की जो है अपनी ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अगर मृत्यु होती है तो परिवार को जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यह है कि परिवार को जो है मिलेगी आपकी पारिवारिक पेंशन या उसे मिल सकती है असाधारण पेंशन। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने ग्रेच्युटी का विकल्प चुना है तो परिवार को ग्रेच्युटी का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही अगर आप ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी का जो एक दायरा है उसके दौरान अगर कर्मचारी की जो है मृत्यु हुई है या कारण रहा है तो जो है एक अनुग्रह राशि जो 30 लाख रुपये की एक मुश्त राशि सरकार ने घोषित कर रखा है वह भी प्राप्त होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे, जो मेन विषय हमारा यह है कि पारिवारिक पेंशन और असाधारण पेंशन में क्या अंतर है, कब किसे कैसे मिलती है और पारिवारिक पेंशन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन तो बंद कर दी गई है, लेकिन अगर कर्मचारी की जो है ड्यूटी के दौरान या सर्विस में रहते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है तथा साथ में जो है मृतक आश्रित कोटे में एक नौकरी भी मिलती है। तो ऐसे सभी शिक्षक साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को जो है मृतक आश्रित कोटे में एक नौकरी भी मिलना तय है। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं इस पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर पारिवारिक पेंशन होती क्या है और किसे प्राप्त होती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में या सेवानिवृत्ति के उपरांत, दोनों ही परिस्थितियों की बात की जा रही है कि अगर किसी भी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाए या फिर रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके परिवार को स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते वह अपने मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर सेवा काल में मृत्यु होती है तो डायरेक्ट पारिवारिक पेंशन बनती है और अगर सेवानिवृत्ति के बाद जो है पेंशन बनती है तो पहले तो उसी कर्मचारी को मिलती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है पेंशन प्राप्त करते हुए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है, जिसे कहते हैं पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए परिवार को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाएगा, इसके बारे में आप जान लीजिए। विधवा या विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह जो पहले हो तक, अर्थात जो है अगर कोई भी जो है विधवा हो या विधुर हो उसे जो है पेंशन मिलेगी मृत्यु तक, या फिर अगर वो पुनर्विवाह कर लेता है, इन दोनों में से जो भी पहले हो, अगर पहले मृत्यु हो गई तो पेंशन बंद हो जाएगी या फिर उसने विवाह कर लिया तो भी पेंशन बंद हो जाएगी। पुत्र पुत्री, विधवा पुत्री शामिल, विवाह पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन या 25 वर्ष की उम्र पहुँचने तक जो भी पहले हो, अगर जो है पुत्र या पुत्री को पेंशन प्राप्त हो रही है, अगर विधवा या विधुर नहीं है तो पुत्र की उम्र जब तक 25 साल का पुत्र नहीं हो जाएगा उसे पेंशन मिलेगी, या विधवा पुत्री भी है उसे भी मिलेगी, लेकिन अगर विधवा पुत्री पुनर्विवाह कर लेती है या कमाना शुरू कर देती है तो फिर उसे पेंशन बंद हो जाएगी। यही हाल पुत्र की कंडीशन में भी है, पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक पेंशन मिलेगी। श्रेणी दो क्या है, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री जो श्रेणी वन में शामिल नहीं हो, विवाह या पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन तक या मृत्यु के दिन तक जो पहले हो उसे पेंशन प्राप्त होगी। माता पिता जो कि पूर्ण रूपेण
पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जिंदा था। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी ने अपने पीछे विधवा या बच्चे नहीं छोड़ा हो तो पेंशन किसे मिलेगी? माता या पिता को मिलेगी। माता पिता अविवाहित तलाकशुदा विधवा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन मृत्यु के दिन तक जारी रहेगी। ठीक है, इन माता पिता को या अविवाहित या तलाकशुदा विधवा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन उनकी जो है मृत्यु के दिन तक जारी रहेगी अगर वो पुनर्विवाह नहीं करते तो। श्रेणी दो में अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्रियों तथा माता पिता को पारिवारिक पेंशन तभी तक दे होगी जब श्रेणी वन के सभी पात्र सदस्यों की पात्रता समाप्त हो जाएगी और कोई भी अशक्त बच्चा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं होगा। विभिन्न श्रेणियों में बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के अनुसार दे होगी और उनमें से छोटा पारिवारिक पेंशन का पात्र नहीं होगा जब तक कि उससे बड़ा उस श्रेणी में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों पारिवारिक पेंशन की दर क्या है, किस दर से मिलती है। सामान्य दर तो यह है कि पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम प्रलब्धियों का 30% होता है, यानी आपका जो आखिरी वेतन होता है, अंतिम वेतन होता है, उसका 30%। बढ़ी हुई दर यदि कर्मचारी की मृत्यु 7 साल की निरंतर सेवा के उपरांत हो जाता है तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाले पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अंतिम प्रलब्धियों का 50% होता है, यानी वेतन का 50%। इस प्रकार स्वीकार राज कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 7 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की तिथि जो भी कम हो तक भुगतान योग होती है। पारिवारिक पेंशन सरकारी कार्मिक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से भुगतान योग्य हो जाती है तथा पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर की समाप्ति के उपरांत दी जाने वाली पेंशन राशि सामान्य दर से ही दी जाएगी। कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर 10 वर्षों तक देय होगी। पारिवारिक पेंशन प्रलब्धियों का निर्धारण। नई पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के अधीन पारिवारिक पेंशन की गणना सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाकालीन मृत्यु तिथि के दिन अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त की गई प्रलब्धियों के आधार पर की जाएगी, अर्थात उसका जो आखिरी वेतन होगा उसी पर गणना की जाएगी। प्रलब्धियों का अभिप्राय क्या है? मूल वेतन सरकारी कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपने मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था। मूल वेतन में गतिरोध वेतन वृद्धि भी शामिल होगी। प्रैक्टिस बंदी भत्ता यदि कोई हो तो वो भी उसमें शामिल होगा। कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं दोस्तों, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की प्रलब्धियों को दंड स्वरूप नहीं बल्कि अन्य कारणों से उसके सेवाकाल के अंतिम 10 माह के दौरान कम कर दिया गया हो और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी की गणना के उद्देश्य से किया गया है तो नई पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के अधीन पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए उसकी औसत प्रलब्धियाँ वेतन रूप में मानी जाएंगी। विचित्र परिस्थितियों में पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? परिवार की परिभाषा के अधीन परिभाषित परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के अधीन पारिवारिक पेंशन देय है। विकलांग बच्चा, यदि सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकृति से पीड़ित हैं तो उसे जीवन यापन के लिए 25 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत जीवन पर्यंत पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। यह भुगतान केवल सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 54 के उपनियम के शर्तों के अधीन देय है। यह आदेश दिनांक 30/9/1974 से प्रभावी होंगे तथा उस सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में लागू होंगे जिसकी मृत्यु 30/9/1974 को या उसके बाद हुई है। यह शर्त उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पूर्व घोषित की गई हो। 30/9/1974 से पहले या पूर्व सेवानिवृत्त मृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के विकलांग बच्चे भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार होंगे, किंतु उनके मामले में वित्तीय लाभ दिनांक 20/5/87 से प्रदान किया जाएगा तथा इस कारण कोई बकाया स्वीकार नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति सेवाकालीन मृत्यु की विकलांगता की उद्घोषणा की आवश्यकता विकलांग बच्चों के पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के बाबत एक पूर्व शर्त के रूप में दिनांक 19/2/90 के सरकारी आदेश के अधीन समाप्त कर दिया गया है। मरणोपरांत बच्चा, मृतक सरकारी कर्मचारी के मरणोपरांत होने वाले बच्चे को भी पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के उपरांत होने वाली पत्नी, पारिवारिक पेंशन 1964 के लाभ पेंशनर की मृत्यु की अगली तिथि से सेवानिवृत्ति के उपरांत होने वाली पत्नी को भी स्वीकार होगी। गुमशुदा कर्मचारी पेंशनर, यदि कोई कर्मचारी पेंशनर अपने परिवार को छोड़कर लापता हो जाता है तथा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ऐसे कर्मचारियों के परिवार के उपयुक्त सदस्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 6 महीने के बाद पारिवारिक पेंशन दिया जाता है। पारिवारिक पेंशन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा गायब कर्मचारी के अवकाश की समाप्ति जो भी पहले हो की तिथि से दिया जाएगा।
धोखाधड़ी करने के उपरांत गायब हुए कर्मचारियों का पारिवारिक पेंशन। धोखाधड़ी करने के उपरांत गायब हुए कर्मचारियों के मामले में पारिवारिक पेंशन का भुगतान विधिक न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दोष मुक्त किए जाने अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों के बाद ही किया जाएगा। अमान्य विवाह से उत्पन्न बच्चे। अमान्य विवाह से पैदा हुए सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पारिवारिक पेंशन के लिए उपयुक्त होंगे। ऐसे बच्चे पारिवारिक पेंशन में विधि मान्य पत्नी के साथ हिस्सेदार होंगे। तलाकशुदा पत्नी से उत्पन्न बच्चे। मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की जब विधवा हो किंतु तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से उत्पन्न बच्चे भी हों तो उपयुक्त बच्चे पारिवारिक पेंशन जो उसकी माँ सरकारी कर्मचारी पेंशनर के मृत्यु के समय यदि वह तलाकशुदा नहीं रहती तो प्राप्त की होती में हिस्सेदार होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, असाधारण पेंशन किसे कहते हैं। जब किसी भी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी के सेवानिवृत्ति तक की पेंशन उसके पूर्ण वेतन के बराबर दी जाती है तो वह पेंशन असाधारण पेंशन कहलाती है। समझ गए दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी या शिक्षक जो है सेवाकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती, जितने दिन शेष हैं थे रिटायरमेंट में उतने दिनों तक उसके जो है नॉमिनी को पूरा वेतन के बराबर पेंशन दी जाती है। इसे कहते हैं असाधारण पेंशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कि कोई जो है कोई कर्मचारी की 10 साल अभी सेवा बची हुई है और उसकी मृत्यु हो गई तो 10 सालों तक उसके जो परिवार होगा उसका जो नॉमिनी होगा उसे पूर्ण वेतन के बराबर पेंशन दी जाएगी। ऐसी पेंशन को कहा जाएगा असाधारण पेंशन। और ऐसी ही पेंशन की मांग कर रहा है हमारा संघ हमारे उन शिक्षक भाई बहनों और कर्मचारियों के लिए जिनकी जो है इस कोरोना काल में मृत्यु हुई है। किसी पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को कब तक पेंशन मिलती है? तो कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी पति फैमिली पेंशन के अधिकारी है, लेकिन पत्नी की भी मृत्यु हो जाए तो उसकी फैमिली अन्य सदस्य में पुत्र अगर 25 साल तक या शादी या नौकरी में जो भी स्थित पहले है तक ही फैमिली पेंशन ले सकता है। पुत्री के केस में उम्र का कोई बंधन नहीं है, बस वह पिता पर आश्रित हो। पुत्री का स्टेटस तलाकशुदा अविवाहित और परित्यक्ता हो सकता है। पुत्र अगर मानसिक विकलांग यानी परमानेंट अपंगता है तो वह भी जीवन पर्यंत पेंशन का हकदार है। फैमिली पेंशन पहले पत्नी उसके बाद स्थायी विकलांग बच्चा फिर विधवा पुत्री को वरीयता अनुसार दी जाती है। फैमिली पेंशन देने का उद्देश्य क्या है? फैमिली पेंशन देने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी का कोई भी पारिवारिक सदस्य पैसे के अभाव में कष्ट ना उठाए उसका सरकार पूरा ध्यान रखती है, बशर्ते उसकी आय फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित आय से कम हो। तो दोस्तों ये रहा जो है आज उठाए गए प्रश्नों का जवाब और उनका हल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।